नमस्कार आपण देखिले अर्गस अपडेट आपण सब मु बिस्मी प्रथमे हेडलाइन्स अनुगुल क्याकोटा थाना अंचले मर्मन्तुद दुर्घटना भारसाम्य हराई इनोवा गाडी उपरे चढ़ीगला बस चार मृत एकाधिक गुरुतर स्थानीय डाक्तरखाना भर्ती बालेश्वर पूरी लंबी धला जोर नेटवर्क ब्राउन सुगार कारबार लिंक ने जलेश्वर पांच गिरफ किंगपिन मुना एवं साजन समेत तीन जन को उठाई नेला पूरी पुलिस सात जनिया टीम महिला को 14 कुलाट फांडी अधिकारी गलाधक्का देवा घटने कार्यानुषान केवे तीन दिन पर भी निगलानी आक्शन कौन करुच्ची एसपी नीतिशकन टीम सरिला प्रचार भोटिंग पाई प्रस्तुति आसंता काली बालेश्वर त्रितोल उपनिर्वाचन पाई मतदान 800 आशा कर्मी एवं स्वेच्छासेवी नियोजित सेपटे 94 सीट पाई वोट देव बिहार आठ मास पर आज खोल आहार केन्द्र राजधानी में खोल आहुरी सातटी आहार केन्द्र दिन 11 अपराह्न 3 जाए 5 टंकरे डालमा भात उपलब्ध आज कटक रे प्रथम पर्याय सेरो सर्वे 25 वार्ड रु 70 लोक सांपल टीम गठन कला सीएमसी 4 दिन धरी चलो सर्वे खोलुची भानुमती पेरी आठगढ़ समवाय पर पदा को आसला नयागढ़ घोटाला उड़गा समवाय बैंक रे 6 कोटी दुर्नीति जबाकारी हताश एवं धर्ममास कार्तिक श्रीक्षेत्र में कार्तिक व्रत पर स्वतंत्र नीतिकांति राधा दामोदर बेश में दर्शन देखते महाप्रभु करुणा पर हविष्याली पुरी आसवा मना देखिबा संपूर्ण खबर अनुगुल जिला कियाकोटा थाना अंचल मर्मन्तुद दुर्घटना भारसाम्य हराई छक निकट में उलटिला बस एथिरे 4 जन मृत्यु होता बेले एकाधिक लोक आहत होती समस्त गुरुतर को स्थानीय डाक्तरखाना भर्ती कर उभय पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ कर इनोवा गाड़ीटा आपण को अनुगुल रु कोलाहांडी जाउथिला हाँ राति रे आउ बसटा संबलपुर रु जाउथिला आपणकर ब्रह्मपुर इनोवाटा आसिकी से टर्निंग रे ठिया हैला माने पास जीवा पई गुटे राति रे हेले बसटा से आरु माने स्पीड रे आसिथि आसिकी से गाड़ीटा पलटी हे जाइछि माने जेमती ये पड़ी गले जेमती होतनि कि हेले से गाड़ी टा जो साइड रे थिला माने पोल्टी हेला बडकु रोड रे घसाड़ी है जो घसाड़ी हेला से समय रे से माने इनोवा टा को बाजी जाई छी जोर रे स्पीड रे थिला ना हेले इनोवा गाड़ी रे जो थिले से माने दु जन ड्राइवर आ जने पैसेंजर तांकर मरि छी सेपटे जलेश्वर ब्राउन सुगार किंगपिन मुना एवं साजन को उठाने ला पुलिस अन्य 3 सहयोगी को उठाने ला पुरी पुलिस स्वतंत्र टीम पूर्व पुरी पुलिस द्वारा ब्राउन सुगार व्यवसाय गिरफ होता जड़े अभियुक्त एमानक ना प्रकाश कर आधार में पुरी पुलिस 7 जनिया टीम सह जलेश्वर पुलिस मिलित भाव चढ़ाउ कर आज भोर आसी 5 जन को उठाए नहीं तेज जलेश्वर राजपुर अंचल किंगपिन छोटा साजन सह 2 सहयोगी गिरफ करने सह किंगपिन मुना सह जड़े सहयोगी गिरफ कर पुरी पुलिस केन्द्रापड़े न्यायपाई थाना को जा महिला पुलिस दुर्व्यवहार घटन कार्यानुषान केवे घटना को 3 दिन बीती जाए भी एजाए पुलिस कौन से आक्शन ने नहीं पारिवारिक कलह समस्या को नहीं चंदनपुर पंचायत सुनीता नाथ शर्मा 14 कुलाट फांडी जाते समस्या शुणी समाधान करने परवर्ती महिला को गला धक्का तड़ी फांडी अधिकारी विजय कुमार खटुआ निज छुआ सह तले पड़ जाते सुनीता सुनीता कांध माड़ हो जाता छुआर ओठ फाटी न्यायपाई महिला जनक पटामुंडाई थानार द्वारस्थ होते हेले कौन एजाए कौन कार्यानुषान हो ना जहाँ सूचना रही तेज कौन करापड़ा एसपी नीतिशकंक टीम जन महिला गुहारी कारे पड़ूनि कि ना कौन चापरे आक्शन ने सबको नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होता बेले न्यायपाई मुख्यमंत्री और पुलिस डीजी को गुहारी कर महिला न्याय न मिलने आत्माहुति देवे
ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେ ଧକ୍କା ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାର, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ମୋ ପୋଲିସ ହଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସୁଛି ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାକୁ ବସେଇବେ, ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର କଥାଟା ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ତମେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଲଜ୍ କରିବେ କି ନ କରିବେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି କରିବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ ମେଥଡ଼ରେ ସେଇଟା ଯିବ ଯୋଉଟାକି ମୋ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠି ସିଏ କାହା ସାହସରେ ଏଇଟା କଲେ କହିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜିକାର କଥା ନୁହଁ, ରିପିଟେଡ଼ଲି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟି ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଥାନା ବାବୁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅସଦାଚରଣ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବି କାମ କରିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ହେଇଥିବ ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଲଜ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆଟା ତ ଆଉ କହିପାରିବନି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟା ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଶୋଭନୀୟ, ଇଲିଗାଲ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଆଇନକୁ ସପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। ଥାନା ଲୋକ ଯଦି ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ କାମ ଦିଏନି ଏବଂ ସେ ଚାହିଁବ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ବସିବନି। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡରିକି କିମ୍ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଧକ୍କା ଲାଗିଗଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଚାପି ହେବନି, ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶୟ ପାଇବେ। ତ ସେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହସ ଦେଖେଇକି ସେ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସରକାର ଆରେଷ୍ଟ କରୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଜି ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏଇ ପୀଡ଼ିତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯଥାରୀତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସୁନିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜରାବଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟା କଞ୍ଚନ ବାଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 10 ଦିନ ହେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଞ୍ଚନ ବାଳା ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର ଅନିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଞ୍ଚନ ବାଳା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ କଞ୍ଚନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଞ୍ଚନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। କଞ୍ଚନବାଳା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବାରୁ ଡେରାବିସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ତ୍ତାମୂଳର ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲା, ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କି ଦେଖା କଲି, ଆଇଆଇସି କହିଲେ ଆର ଯଥେଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ବେଳକୁ 307 ଲଗେଇଲେନି, ଆସାମୀ ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ବୁଲୁଛି, ଥରେ ହେଲେ ତା ଦୁଆର ମୁଁ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଖାଗଲା, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲାନି, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଲା, ଏସ୍ପି ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ନେଲେ, ତଥାପି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା, ମୁଁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି, ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜିଠାରୁ କଟକ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସେର ସର୍ଭେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରର 25 ୱାର୍ଡରେ ହେବ ସର୍ଭେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ 70 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପୁଲ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ, ଏନେଇ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଟିମ୍ରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଏଏନ୍ଏମ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହେବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିବଡି କେତେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ସର୍ଭେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଚାର ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭୋଟ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ
निर्वाचन मंडल रे थिबा पोलिंग बूथ को बाहरी सारिछंती पोलिंग पार्टी सेपरि एथर वोट पई आशाकर्मी एवं स्वेच्छासेवी मानको नियोजित करा जायछे। बालेश्वर 346 से पोलिंग पार्टी, तिरतुल रे 373 पोलिंग पार्टी नियोजित होइछंते। उपनिर्वाचन पई तिरतुल बालेश्वर रे सरिछि प्रचार। अण भोटर माने निर्वाचनी मंडली छाड़ीबा को निर्देश देइछंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मतदान पई 800 आशाकर्मी और 800 स्वेच्छासेवी नियोजित होइछंती। भोटिंग बेले कोविड नियम पालन को विशेष गुरुत्व दिजिव। बाहर निर्वाचन मंडल लोके अंचल छाड़ निर्देश दिजाई। बालेश्वर 346 पोलिंग पार्टी, तिरतुल 373 पोलिंग पार्टी नियोजित होती। 329 लाइसेंस सरेंडर कर सतर्कता स्वरूप 3668 जन को अटक रखी। एनबीडब्ल्यू 410 बुक होती। अबकारी जबत परिमाण 7,29,000 टंका। नियम उल्लंघन नहीं 52 टी मामला रुजु होई। 11,205 लीटर मद जबत हो। एक्साइज रे इन्फोर्समेंट जोरसोर रे करा जाए। 11,205 बल्क लीटर लिकर सीज हो जार वैल्यू है 17,30,000। मॉडल कोड वायलेशन और कोविड वायलेशन रे गुड़ाए केस आम नजर को आसला। आम जो फ्लाइंग स्क्वाड अन्य माने फील्ड को जितेबले बुलिले समती 52 नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर कराई। पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के सपोर्टर के अगेंस्ट 52 केस रजिस्टर कराई। ताभितर मीट विदाउट परमिशन मीटिंग करवा, विदाउट परमिशन लाउड स्पीकर यूज करवा और कोविड गाइडलाइन को वायलेट करवा, ए तीनटा टाइप रो वायलेशन थिला। सेपटे बूथ गुड़ी को बाहरी पोलिंग पार्टी। तिरतुल जगत सिंहपुर एसबीएम कॉलेज परिसर में हब सेंटर पोलिंग पार्टी गुड़ी निर्वाचन मंडल अधीन तिरतुल, रघुनाथपुर और बिरीडी ब्लक मोट 373 मतदान केन्द्र को पठा जाए। 373 बूथ मध्य बिरीडी ब्लक 103, रघुनाथपुर 110 और तिरतुल ब्लक सर्वाधिक 160 मतदान केन्द्र थे। 155 मतदान केन्द्र संवेदनशील जना। उपनिर्वाचन परिचालन पई 1940 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर नियोजित होता बेले 33 जन सेक्टर ऑफिसर नियोजित होते। यह उपनिर्वाचन पई जगतसिंहपुर जिला प्रशासन पक्षर 62 जन सीएपीएफ, 37 वेब कास्टिंग, 40 माइक्रो एडवाइजर, 5 वीडियोग्राफी टीम नियोजित होते। सेपरि बालेश्वर उपनिर्वाचन पई 67 संवेदनशील बूथ चिन्हट होता बेले सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। मोट 346 बूथ कर 1,800 पोलिंग एवं प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियोजित होते। प्रति 1,000 भोटर गोटे बूथ कर टोटल 346 बूथ्स अच्छा। से 346 बूथ्स को हम दो भाग में बांटी छे। वन इज जो बूथ सदर ब्लॉक एरिया छे एंड सेकेंड म्युनिसिपैलिटी एरिया बूथ्स। तो आगरू मॉर्निंग 8 o'clock से डिस्पर्सल ऑफ बूथ्स फॉर अपन का ब्लॉक एरिया आरंभ हो गला एंड 1 o'clock को हम डाकी छे स्टाफ जो म्युनिसिपैलिटी एरिया डिप्लॉय जो माने पोलिंग कर्मचारी अच्छा से आज आसी रिपोर्ट करते आज एक जिनसपत्र नहींक्री पोलिंग बूथ पाई जिबे। आप जानते 373 बूथ रु 155 बूथ आमर सेनसीटिव बूथ अच्छी से सेनसीटिव बूथ मानक आम सीएसएफपी 62 बूथ आपर 40 जन माइक्रो ऑब्जर्वर 37 आम वेबकास्टिंग ता सहित 16 आम वीडियो कैमरा और सीसीटीवी बंदोबस्त करमको तो टोटाल एसओपी जो दिखाई से डिस्टेंस मेंटेन करिया प्रथम कथा जो 2 गज दूरत समस्ते मास्क पिंधे और हूँ आमर जो सानिटाइज हे से सब बाहर बीएलओ आउ जो आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी थे से दायित्व सब थे भितर गलाक गोटे हाथ में ग्लोवस पिंधे और वोटिंग हम होते। एथर कोविड कटकणा भितर मतदान करेंगे भोटर। ता पूर्व सब बूथ सानिटाइज कर भोट देवाक मास्क पिंधा बाध्यतामूलक सामाजिक दूरता रक्षा करने को गुरुत्व दिजाई। मतदान पूर्व भोटरों थर्माल स्कानिंग तिरतुल मोट 2,49,153 जन मतदाता से मत सब्यस्त करेंगे। सेपरि बालेश्वर सदर उपनिर्वाचन पर भोट देते 2,30,297 जन भोटर। बालेश्वर प्रकाश महांती, रोशन रथों तिरतुल मानस कानुंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसंता काली बिहार द्वितीय पर्याय मतदान
1463 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे बिहार जनता। सुरक्षा दृष्टि वोटिंग होगा समस्त विधानसभा क्षेत्र में 144 धारा लागू होने सार्वजनीन स्थान में 4 अधिक लोक एकाठी होगा कटकणा लगी। पटनार सब सीमा को सिल कर राजरास्त पुलिस करुच्चे फ्लाग मार्च द्वितीय पर्याय सारणारे 10 पटनारे 9 नालंदर 7 बेगूसराय 7 सीट पाई हेबो मतदान। सेपटे कोविड गाइडलाइन को कड़ाकड़ी पालन करने को निर्देश देते निर्वाचन आयोग। यह पूर्व प्रचारण शेष दिन प्रधानमंत्री 4 स्थान में करते माराथन सभा छपरा मस्तिकपुर मोतिहारी एवं बगहारे जोरदार कैंपेनिंग मंच में प्रधानमंत्री सहते नीतीश कुमार। आरजेडी तेजस्वी यादव गोटे दिन में 19 राली करी बापा लालू यादव का रेकर्ड काटे 28 अक्टोबर प्रथम पर्याय निर्वाचन में 71 सीट पर होता वोटिंग। सेपटे कोरोना पर मार्च मासरु बंद रही राजधानी विभिन्न आहार केन्द्र गुड़िक आज खोल एवं 4 हस्पिटाल निकट में 5 आहार केन्द्र चलुता बेले राजधानी प्रमुख स्थान में बाकी 7 आहार केन्द्र खोल आज बरमुंडा बस स्टाण्ड नुआपल्ली यूनिटी 2 मालिसाही कल्पना छक मंचेश्वर मास्टर कैंटीन 7 जाक आहार केन्द्र खोल यह पूर्व जी कह पूर्व भाई 11 अपराह्न 3 पर्यंत खोल एवं एम्स हस्पिटाल निकट में 2 कैपिटल हस्पिटाल निकट में गोटे कलिंग हस्पिटाल निकट में गोटे सम हस्पिटाल निकट में गोटे आहार केन्द्र चली। परवर्ती खबर को 20 वर्ष पाकिस्तान जेल रे बंदी रहिबा परे घर को फेरुछंती जने ओडिया। सुंदरगढ़ कुर्त्रा ब्लॉक अंतर्गत कटंग जंगालोटीर युवक बिरजुर कुल्लू दीर्घ 20 वर्ष पाकिस्तान लाहौर जेल बंदी भावे रहिबा परे निज घर को फेरुछंती। मिलिथिबा सूचना अनुजाई बिरजु युवक थिबा समय रे घर छोड़ी पलायथले एवं भूल बसत पाकिस्तान सीमा अतिक्रम करि पलायथले। पिलाटी दिनरु से सामाजिक एवं मानसिक अनग्रसर थिबारु से एपरि करथिबा कहा जाउछि। गत 16 तारीख रे तांको पाकिस्तान जेल रु मुक्त करा जायथिबा जना पडछे। खोलुचे भानुमतीर पेड़ी जिला को जिला लंबी सबबा दुर्नीतिर चेर प्रथमे आठगड़ आउ एबे एथिरे सामिल होइछि नयागढ़ जिला। ऑडिट रिपोर्ट बेले धरा पड़ी गत 2 वर्ष भितर होइथिबा सबबा दुर्नीतिर सत। खोलुचे भानुमतीर पेड़ी राज्य समवाय विभाग रे बड़ केलेंगारी समवाय जमाकारी जंत्रणा आठगड़ नहीं पहुंची नयागढ़ से 2 कोटी आठ 6 कोटी घोटाला आठगड़ गुड़ी झाटिया धईपुर आबे जिला समवाय दुर्नीति चेर जा पहुंची नयागढ़ ओड़गा समवाय बैंक ओड़गा समवाय बैंक अधीन कुराल समवाय समिति टंका रखी शह शह जमाकारी हेले मुंड झाल तुंडे मारी निज कष्ट अर्जित टंका रखि गरीब जमाकारी एवं निज जमा टंका फेरी पाइबा को ए ऑफिस रु से ऑफिस दौड़ी निराश होउचंती। अन्य पक्षे तदंत और आईन कानून रो गोलाबट दे नयागढ़ समवाय बैंक कर्तृपक्ष गत 3 वर्ष धरी प्राय 3800 जन चाषी 6 कोटी ऊर्ध जमा टंका फेराउ नथिबा बेले एही समवाय महादुर्नीतिर 2 वर्ष पर भी एजाए एथिरे संपृक्त दोषी अधिकारी विरोध में कौनसी भी कार्यानुष्ठान होइ नथिबा अभियोग होइछि। डिपोजिटर माने जो माने टंका डिपोजिट रखिथिले सोसाइटी रे सेमानंक टंका को एमाने सोसाइटी कर्तृपक्ष बैंक कर्तृपक्ष दौनाहांती डिपोजिट टंका को फेरुनाहांती लोकंकर डबल हेकि ट्रिपल हवा अवस्था रे गलानी एवं एहा गोटे क्राइम ब्रांच तदंत करा जाउ जेहेतु गोटे इकोनोमिक अफेन्स चिटफंड भाया गोटे संस्था केस होती तेणु एथेर समस्त जो मैंने टंका नहीं बैंक कर्तृपक्ष हूँ सोसाइटी कर्तृपक्ष हूँ ये क्राइम ब्रांच तदन कर। ऑडिट रिपोर्ट कहती चाषी मान 6 कोटी टंका आत्मसात कराफल कि चाषी मैंने बारंबार आंदोलन करने सत्वे बारंबार तांकर दाबी उपस्थापन कले मध्य केही सुनुना आज सरकार कौन पर निरप रही आज समस्त मन गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कर स्थानीय विधायक मंत्री को मध्य बारंबार लोक मैंने कहवा सत्वे से मध्य निरप अच्छा कहीं बर्तमान तक गुहारे शुणुना ना कलेक्टर शुणु ना प्रशासन शुणु सेपटे एपर्यंत कहीं दृढ़ कार्यानुष्ठान
पचराजिबारु एमिती उत्तर रखिथिले नयागढ़ समवाय बैंक संपादक सुशांत कुमार खमारी। बैंक तरफ़ टंका फेरस्त पाई सेमती किछि तो नहीं प्रोविजन तो बर्तमान एगेन आमर RCS अंडर सेक्शन 65 इनक्वारी चलती तो इनक्वारी चलला पर जहाँ तांकर फाइंडिंग्स आसीबो बेसिंग ऑन दैट आमे जहाँ इंस्ट्रक्शन आसीबो आमे कार्यानुष्ठान नबु। आठगड़ आउ एबे नयागड़ भात हांडीरु भात चिपिला परी एटी गोटिए परे गोटिए समवाय समिति रे होइतिबा घोटाला पछर चित्र सामना को आसुछि। एटी बड़ प्रश्न समवाय मंत्री करुछंती कोन अभिजोग परे भी काहे कि निया जाउ नाही कोनोसी कार्यानुष्ठान काहे कि ए प्रसंग रे चुप रहिछंती समवाय मंत्री राजा स्वयं घोटाला पछरे कहाँ हाथ रही उत्तर रखिबे कि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वयं। नयागढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट अगस्त न्यूज। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे केन्दुझर जिला आनंदपुर NH20 वीर गोविंदपुर निकटरे मर्मतुद सड़क दुर्घटना एक ट्रक रे ड्राइवर एवं हेल्पर गाड़ी रखी ट्रक रे चका खुलुथिबा बळे पछरु धक्का देला आउ एक ट्रक तबे दुर्घटना रे दुई जणक मृत्यु होइछे। मृतक दुई जणा हेले तरतरा गांर डिपुन नायक एवं पपुन घड़े। खबर पाई घसीपुरा पुलिस दुर्घटना घटाइथिबा ट्रक जबत करिछि एतिसह दुई जणक शव उद्धार करी तदंत जारी रखिछि। सेपटे कमारे झारसुगुड़ा स्वास्थ्य सेवा गोटे पटे डाक्तर अभाव अंपटे रोगी को अनादेखा जड़े गर्भवती हस्पिटाल आडमिट न करिबारु तीन घंटा काल से जंत्रणे छटपट हेले वीडियो वायरल हेला आउ एबे 6 जन को करा जाय छि सस्पेंड। हॉस्पिटल साइकिल स्टैंड रे जननी जंत्रणा तीन घंटा काल जंत्रणा रे छटपट हेले गर्भवती डाक्तरखाना रे भर्ती कराइले नि कर्तृपक्ष खोद स्वास्थ्य मंत्री इलाकू आसला व्यवस्थार नग्न चित्र छह जन को सस्पेंड कर काम सारिदेवा स्वास्थ्य विभाग प्रयास ए हेउची अक्टोबर 23 तारिखर दृश्य बंध बहाल अंचल महिला प्रसव बेदना हेबारु झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय को आसते किंतु डाक्तरखाना रे भर्ती कराइ नथिले किछि कर्मचारी बहाना थिला कोरोना फलर गर्भवती महिला जनक प्राय तीन घंटा धरी छटपट होते परिवार लोकों काकुति मिनती पर किसी स्वास्थ्यसेवी खबर पाई घटनास्थल में पहुंचे कोविड टेस्ट कराई डाक्तरखाना भर्ती कराई ए घटना को नहीं स्वास्थ्य मंत्री नव दास को कड़ा समालोचना करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान स्वास्थ्य मंत्री जोटा निज निर्वाचन मंडली झारसुगुड़ा स्वास्थ्य मंत्री राज्यर स्वास्थ्य कथा न बुझे कि बालेश्वर पैसा मुणी धरिक बुलुंती निज निर्वाचन मंडली जन प्रसूति महिला चिकित्सा अभाव कष्ट पाउच याठु बड़ प्रमाण कौन थी पारे एवं घटना रे स्वास्थ्य विभाग 6 जन कर्मचारी को निलंबित कर घटनाटा तो बाहर से पार्किंग स्पेस रे इंक्वायरी रो मो पाइली कि जो माने ड्यूटी रे नियोजन थिले से मानकर फॉल द्वारा निश्चित भाव रे से ठीक समय रे ठीक जगह को से पहुंची परला ने जथा हमरो सिक्योरिटी गार्ड यदि मां यदि सेठी रहउची से तो तार इंफॉर्मेशन देके ताको नेबा थिला डिलीवरी रूम को जो टेस्ट करंती कोविड 19 से वाला से माने नथिले घंटा दु घंटा पधरी के दिए तो तेणु से जो जावतीय माने तीनटा कैटेगरी रे स्टाफ सिक्योरिटी हेल्पडेस्क आउ टेस्टिंग वाला से माने दुई दुई जन करी से माने नियोजन थिले से मानकु सस्पेंड करा है कि असुस्थ स्वास्थ्य मंत्री को अंचल जिलारु 11 टी हॉस्पिटल रे जमारु डाक्तर ही नांत 134 डाक्तर को आवश्यकता थिला बेले अछंती मात्र 69 टी जिला मुख्य चिकित्सालय टू आरंभ करी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में मध्य बहु विशेषज्ञ पदवी खाली पड़ी जिले में थिबा 6 गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में प्राय 75% डाक्तर पदवी खाली अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फार्मासिस्ट और नर्स को द्वारा चली चिकित्सा जहाँ को नहीं स्वास्थ्य मंत्री को टार्गेट करिसंती बीजेपी और कांग्रेस विगत 6 मास हलानो जे माने नॉन कोविड पेशेंट से माने वर्तमान सबुट बेसी उपेक्षित तांकु देखवा लगी कही नांती झारसुगुड़ा रे DHS स्थायी करी बहुत विराट बिल्डिंग गोटे कर दिया है केंद्र सरकार द्वारा किंतु से बिल्डिंग रे
କାମ କରିବାର ଲାଗି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବାର ନାହିଁ ବେଲେ ଆମର ନିଜର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଲାଭ ଲୋକ କାଣା ପାଇଲେ? ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଇନକ୍ୱାରି କ୍ଲର୍କ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି କୋଭିଡ଼ରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଚଳେଇବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେବେ ଏଇ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ବିକାଶ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବାଜିରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଲୋକଙ୍କ ହିତକୁ ଭୁଲି ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ହିଟ୍ଲରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଜିରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଲୋକଙ୍କ ହିତକୁ ଭୁଲି ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେବାକୁ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ହିଟ୍ଲରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ତି, ତଥାପି ଦେଖାଗଲାନି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦ୍ରା ଗୁମ୍ଫାରେ ପଥର ଖାଦାନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼କୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିନା ପଲିସଭାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ଚାଷ କାମ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଚାଷୀର ଜୀବିକା ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପଥର ଖାଦାନଟା ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ଜମି ଲାଗିକି ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ 4 ଏକର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଠି ଯଦି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ ବୋଲେ ଜମି ବାରି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ଜମିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ପିଲା ସହ ନେଇକରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆର 2-3 ଲୋକର ଜମି ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 10 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଏ ଜମି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠି କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଯଦି ଏଇଟା ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ଏ ପାଖ ତଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଯଦି ଏଠି ଧମାକା ହେବ ସେଇଟା ବି ରହିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 7 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସବୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାଇକି ପୋଟେଲ ପଟେ ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ମାଲକାନଗିରି ଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି, ଏଇ ପଥର ଖାଦାନଟା ସରକାର ଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋରକଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରଗୁମ୍ଫା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି, MV-31 ଓ MV-32 ପରି 5ଟି ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଥର ଖାଦାନର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପରି କିଛି ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଟର ପେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଆମର ପୋଲିସ ସଭା ହୋଇନାହିଁ କି ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ବିରୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଥର ଖାଦାନ ପାଖେ ପାଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ 15 ଘର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ କିଛି ଲୋକ ବି ରହିବାଲାଣି। ଆଉ ପଥର ଖାଦାନକୁ ଲାଗିକିନା ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏରିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଥିରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ୱିଦିନ 150 ମିଟର୍ସ ଭିତରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ଏହାକୁ ଲିଜେବୁଲ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବୁ।
राजस्व आदाय निशारे राजस्व विभाग जनतांक हितकु बाजीरे लगाइबाकु बसिछि। विभागर एक चाटिया निष्पत्ति रे प्रभावित हेबाकु जाउछन्ति साधारण जनता। लोकंक हितकु प्राधान्य देई राजस्व विभाग को पुनर्बार एई निष्पत्ति उपरे विचार करबा जरूरी होई पडिछि। मालकानगिरिरु विक्रम केसरी स्वाईंक रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। समस्त राज्य देश दुनिया तमाम खबर जानापाई देखु अर्गस न्यूज। नमस्कार।